नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वाले वीडियो में 2018 यूपी पीसीएस मेंस की पूरी एनालिसिस करेंगे, प्लस 2019 के लिए कौन कौन सी बातें याद रखनी चाहिए, ये सारी बातें आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर यूपी पीसीएस के इस बदलते हुए माहौल, बदलते हुए ट्रेंड, बदलते हुए सिलेबस और बदलते हुए आयोग के रवैये के हिसाब से आप काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो जो है जरूर पूरा देख लीजिएगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहली बात ये कि यूपी पीसीएस 2018 का जो मेंस है वो खत्म हुई कवा है। अब अगर उसकी एनालिसिस करी जाए, मैंने खुद एक्चुअली खुद सारे पेपर लिखे हैं तो इसलिए मैं बिल्कुल वैसी एनालिसिस कर सकता हूं जैसे कि स्टूडेंट सोचता है। मैं वहां पे जाके खुद जो है लोगों के साथ बीच में रहा हूं, वहां पे देखी, उनकी समस्याएं समझी है, कौन कौन सी परेशानियां आती है, सारी चीजें बताएंगे इसमें। पहली बार मेंस था यहां पे, दो आपके जो है पहले दिन पेपर, अब हर दिन मतलब दो दो पेपर हो रहे थे, पहले दिन एसे और हिंदी हुआ। एसे वाले पेपर में और हिंदी वाले में तो कोई इतना ज्यादा ट्रेंड चेंज नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है एसे वाले पेपर के टॉपिक सिलेक्शन बहुत ही शानदार था, मतलब यूपी पीसीएस की इसके लिए तारीफ करनी पड़ेगी, बहुत बढ़िया था। हिंदी वाला पेपर में इस बार ट्रेंड चेंज कर दिया ये कि भैया जी कॉपी अलग से दे दी है। अभी तक क्या होता था, उसी में लिखा रहता था, उसी में लिमिटेड स्पेस देते थे, अब ऐसा नहीं है। अब इस बार क्या किया है उन्होंने, कॉपी दे दी कोरी कॉपी, और उसमें आप जो है क्वेश्चन पेपर का नंबर लिखिए, और मतलब क्वेश्चन लिखिए, और उसमें जो है फ्रंट पेज में आपको हर क्वेश्चन लिखा रहता है कि आपने पहला क्वेश्चन किस पेज से किस पेज तक किया, दूसरा कहां से कहां तक किया, और लास्ट में जो है एक अंतिम ठप्पा भी लगाया जाता है कि अंतिम प्रश्न, ये बस चेंज हुआ है, बस बाकी कुछ नहीं चेंज हुआ है। पेपर सेम टू सेम था, मतलब जैसा आता है वैसे ही, कुछ कोई बड़ा चेंज नहीं हिंदी में। फिर जो है आती है कहानी GS 1 2 3 4 की, और यहीं पर जो है पूरा खेला चालू होता है। GS 1 2 3 4 यूपी पीसीएस के हिसाब से, मेरे हिसाब से जो है मॉडरेट टू टफ लेवल पे ही था भैया। अगर किसी को इजी लग रहा है तो यार वो भैया वो दूसरे ग्रह से आया हुआ हो सकता है, या फिर बहुत ज्यादा वो डेविएंट है, प्लीज मेरा वीडियो मत देखिए। मैं सिर्फ और सिर्फ जो है सामान्य लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, मैं एक सामान्य नागरिक हूं, सामान्य उत्तर प्रदेश का निवासी हूं मैं, तो मेरे जो वीडियोज हैं वो सिर्फ जो है नॉर्मल स्टूडेंट के लिए हैं, बहुत ज्यादा टैलेंटेड सुपर टैलेंटेड लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से GS 1 वाला जो पेपर है 20 क्वेश्चन, मतलब आप ये समझिए ऐसे में आपको कितने वर्ड लिखने थे, 700 शब्दों के 2100, मतलब तीन आपको लिखने थे ऐसे 3 घंटे में, तो वहां पे 2100 वर्ड लिखने थे, ठीक। उसके बाद अगर GS 1 2 3 4 में कितने वर्ड लिखने हैं, 125 के 10 हैं, 200 वर्ड के 10 हैं, मतलब 3250 वर्ड आपको लिखने हैं 3 घंटे में, ठीक। ये है सबसे बड़ा खेल, और सबसे बड़ा खेल हुआ है GS 4 के साथ। GS 1 की बात करें अगर, तो GS 1 में जो क्वेश्चन थे काफी जो है ऐसे नहीं थे कि मतलब उसको किया ही ना जा सके, बिल्कुल किया तो जा सकता था, ज्यादातर लोगों को सब आता भी होगा। जो यूपीएससी वाले भरे लोग बैठे हैं, मतलब यूपीएससी के जो योद्धा लोग हैं, जो बहुत इंटरव्यू निकाल चुके हैं, मेंस जो है कई बार दे चुके हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने राइटिंग प्रैक्टिस की, तो अब उनको जो है फल मिलने का टाइम आ गया है। यूपी पीसीएस के मेंस में उनका सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है ये GS 1 2 3 4 चारों में। अब अच्छा एक चीज हो रहा है कि मतलब जो है क्वेश्चन आए कैसे यूपीएससी, ये जो भी यूपीपीसीएस 2018 का मेंस हुआ है, इसमें देखिए पूरा का पूरा जो है आपका पैटर्न यूपीपीसीएस ने यूपीएससी को बिल्कुल उसी तरह से फॉलो करने की कोशिश की, बल्कि मुझे जहां तक लगता है यूपीपीसीएस में सिलेबस ज्यादा है यूपीएससी से भैया जी, तो ये इसमें इतने ज्यादा मतलब फैक्ट भी थे, जैसे क्वेश्चन आया था उसमें टिफाक करके, ठीक है। अब वो जो है क्वेश्चन GS 3 में आया था, मैं मतलब खुद इतनी सारी चीजें बनाता रहता हूं, कभी MCQ बना रहा हूं, कभी कुछ कंटेंट बना रहा हूं, कोई वीडियो बना रहा हूं, मैंने आज तक खुद वो नहीं देखा था, कुछ क्वेश्चन एकदम अजीब से थे वो क्वेश्चन। एक चीज और है कि GS 1 2 3 4 में अगर आप देखेंगे, जिन लोगों ने हमारी टेस्ट सीरीज सॉल्व की थी, चाहे वो हमारा पूरा कंटेंट हो, मैंने एक्चुअली पॉइंट वाइज पूरा कंटेंट दिया था, तो अगर आपने PDF पढ़ी तो आप क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके आएंगे, क्योंकि सारी की सारी मैंने दे ही रखा था ऑलरेडी सिलेबस, प्लस हमने जो टेस्ट सीरीज कराई थी, प्लस हमने यूपीएससी मेंस का जो हमने एक आंसर राइटिंग कराई थी, यूपीएससी मेंस की और एक यूपीपीसीएस मेंस की, तो बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से आए, कई लोगों ने अपना अपना क्लेम किया, बिल्कुल उनका हक है क्लेम करना, लेकिन यूपीपीसीएस ने एक्चुअली इस बार क्वेश्चन ही ऐसे पूछे थे कि ये अब मैटर ही नहीं करता है कि आप पढ़ कहां से रहे हो, अब ये मैटर करता है कि आप आंसर राइटिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आंसर राइटिंग करना बहुत जरूरी है, ये एक सबसे बड़ी बात यहां पर निकल के आई है, बिना आंसर राइटिंग के कुछ नहीं हो सकता है। यूपीएससी वालों को डायरेक्ट फायदा है यहां पे, क्योंकि यूपी के क्वेश्चन ही नहीं पूछे गए हैं, पूरे जो है चारों जीएस पेपर मिला लो 800 नंबर में, अगर 80 नंबर भी यूपी का पूछते तो भी कुछ बात होती, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं है। एक आध क्वेश्चन में बीच में पूछे हैं, जैसे बुंदेलखंड में कल्चरल वाला बताइए, वो भी 8 नंबर में सिर्फ। तो आप जो भी यूपीएससी वाले लोग हैं,
अगर वो यूपी पीसीएस दे रहे हैं तो मतलब उनको सीधा कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ हिंदी का 150 नंबर वाला जो पेपर है बस वही है उनके लिए रोड़ा है थोड़ा सा, बाकी सब कुछ जो है वो कर सकते हैं आराम से। ठीक है, जीएस 4 में आप ये समझिए कि यूपीएससी में भी जो है 20 क्वेश्चन नहीं देता है वो, इन्होंने लेकिन 20 क्वेश्चन दिए हैं। और वो भी भाई साहब केस स्टडी 1-8 नंबर की दी है जीएस 4 में और 2 दी है 12-12 नंबर की, मतलब सिर्फ 32 नंबर की केस स्टडी दी है, जबकि केस स्टडी को ज्यादा करना चाहिए था। जैसे यूपीएससी में क्या होता है 120 नंबर की केस स्टडी आती है 250 में, तो ऑलमोस्ट आधी तो आ रही है ना। अब यहां पे भी अगर आपको कम से कम एथिकल ये चीज चेक करनी है ना, तो डेफिनेशन रटा के और लिखा के उसे क्या हो जाएगा, आप केस स्टडी ज्यादा दीजिए ना। मैं तो कहता हूं कि पूरी केस स्टडी ही भर दो जीएस 4 वाले में, उससे ये रहेगा कि लोग क्या सोचते हैं क्या समझते हैं उनकी पूरी की पूरी जो है थिंकिंग एक तरह से समझ में आ सकती है। हालांकि जो आप सोचते हैं वो लिखेंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें तो है क्लियर हो सकती हैं। केस स्टडी का वेटेज बढ़ना चाहिए था। हालांकि मतलब ओवरऑल पेपर कहीं से भी इजी नहीं है, बहुत ज्यादा आपको पहली बात तो पॉइंट वाइज सिलेबस पता होना चाहिए, जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो पता होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि आपको फैक्ट भी चीजें रखनी पड़ेंगी कई सारी चीजों के, जैसे जो है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे हैं कि टिफाक होता क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव बताइए, ऐसे करके पूछे हुए हैं। कुछ एक और पॉलिसी वाला क्वेश्चन था उसमें डायरेक्टली पूछे हैं कि स्पेसिफिक जो है आप बताइए ऑब्जेक्टिव, यूपी टूरिज्म पॉलिसी वाला जैसे है उसमें एग्जैक्टली पॉइंट बताइए। तो ये सब पे नजर रखनी पड़ेगी। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी पीसीएस की राह आपके लिए बहुत आसान है, बस थोड़ा बहुत अगर आप यूपी की चीजें पढ़ लें बस, तो यूपी का जैसे जो है टोटल हिस्ट्री पढ़ने ज्योग्राफी पढ़ने, मतलब यूपी का टोटल आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसा है कहाँ पे है ये सब। लेकिन अगर वो नहीं भी है तो भी आप आराम से क्लियर कर ले जाएंगे, क्योंकि जीएस जो है 1, 2, 3, 4 में ये अब ऐसा पेपर है ना कि इसमें कोई कट ऑफ नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है कि कितने नंबर आएंगे, सब्जेक्टिव है पूरा पूरा उसमें। दूसरी बात यह कि अब इनका जो है कॉपी चेक करने का क्या मेथड होगा ये समझ ही नहीं है किसी को, क्या पता कुछ इनको मॉडल आंसर दे दिया जाए और उसमें कुछ कीवर्ड हो, बस उन्हीं के आसपास ये लोग ढूंढते रहे कि अगर इनमें से कोई चीज है आसपास तो नंबर देंगे वरना नहीं देंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब इसमें कोई जो है करने की बात नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर समझने वाली है यहाँ पे, अगर आप लोग 2019 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आंसर राइटिंग तो करनी पड़ेगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात है कि फैक्ट भी आपको पता होनी चाहिए, पॉलिसी की सारी चीजें पता होनी चाहिए, रट्टी होनी चाहिए, ठीक है, और कॉन्सेप्ट तो पता होने चाहिए। मतलब क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस में है एनालिटिकल तो थे ही थे, लेकिन फैक्चुअल भी थे, डायरेक्टली फैक्ट पूछे हैं कुछ क्वेश्चनों में। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखा है तो यूपीएससी से भी थोड़ा सा यहाँ लेवल टफ कर दिया है, क्योंकि वहां पे देखिए एनालिटिकल जब पेपर आता है ना तो सबकी पोजिशन सेम रहती है, ठीक है, कि पता सबको है, अब आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से यहाँ पे एनालाइज करना है। लेकिन जब पेपर एनालिटिकल भी हो और फैक्चुअल भी हो तो फिर जो है चीजें हो जाती है गर्दा उड़ गया एकदम। मतलब यूपी पीसीएस ने पेपर बनाने में तो बहुत ज्यादा जो है बल लगाया है, अब ये बस देखने वाली बात है कि क्या उसका जो चेकिंग होगी वो भी उतना ही फेयर तरीके से हो पाएगी कि नहीं, जैसे जो लोगों ने जो सही बात डिजर्विंग कर हैं वही लोग आगे जा पाएंगे कि नहीं, कि जो है कुछ चीजें जैसे इधर उधर चलती रहती वही चलेंगी, ये एक चीज है। और 2019 वाले के लिए एक और समस्या है कि 2019 देखिए अगर 2018 का पेपर आप प्री उठाएंगे बहुत ही जो है मतलब ये एसएससी वाले टाइप का लेवल का पेपर था, मतलब कुछ नहीं था, सिर्फ फैक्ट फैक्ट थे उसमें। तो उन्होंने क्या किया 2018 में तो मिक्स रहा, मतलब कि वहां फैक्ट पूछ लिया प्री में, मेंस में आपका कॉन्सेप्ट पूछ लिया, एनालिटिकल स्किल चेक कर ली, प्लस जो है आपको फैक्चुअल भी पूछ लिया सब कुछ। और एक बात आप यकीन मानिए, चाहे जो भी जितना भी फेंके पूरा पेपर करना, पहली बात लिखना बहुत मुश्किल था मेंस वाले में, मैं हर पेपर में 2-3 क्वेश्चन झूठे हैं लगभग, क्योंकि आपकी अगर आदत नहीं है लिखने की तो फिर दिक्कत है यहाँ पे। अगर आपने बहुत जो है मतलब अच्छे खासे आपने मेहनत करी है, क्योंकि मेरा इसमें कोई इसमें जो सीरियस एस्पिरेंट है मतलब उनके लिए यहाँ पे इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी जो है पेपर देने में, ठीक है। लेकिन जैसे मैं नॉन सीरियस हूँ, मैं राइटिंग नहीं करता हूँ कभी, मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। और प्लस और भी कोई सारी समस्याएं हैं वहां पे, अगर आप देखेंगे कि जैसे बगल बगल में बैठाया हुआ है, इलाहाबाद में सुना है कई जगह चीटिंग करते हैं लोग खुलेआम एकदम, ये हिंदी वाले पेपर तो बहुत चीटिंग हुई है, मुझे ये वाले में कमेंट नहीं करना चाहिए लेकिन है ऐसा, अगर मतलब चीटिंग वीटिंग हो रही तो ठीक बात नहीं है ये। तो ये वाली चीजों में भी यूपीपीसीएस को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि लोग चीट वीट तो ना करें, कम से कम एक सीट पे एक ही आदमी को बैठाना चाहिए, ये एक चीज है। और 2017 अच्छा आपरी की बात बता रहा था मैं, 2017 वाला पेपर यूपीपीसीएस का थोड़ा सा अच्छा था अगर एज कम्पेयर टू 2018 करेंगे, 2016 वाला भी थोड़ा अच्छा था, मैं क्योंकि सारे पेपर एनालिसिस करता रहता हूं तो मुझे याद है एग्जैक्टली। 2019 में कैसा आएगा ये मतलब थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है,
कुछ लोग कह रहे हैं जो है फैक्चुअल आएगा और जो है आप घटना चक्रो ये सब चीज पढ़ लो, इससे कुछ नहीं होगा यार। मैं बता रहा हूँ सीधी सिंपल बात, ये वाले में अब नहीं हो पाएगा। दो केस है 2019 के लिए, अगर जो है पेपर फैक्चुअल ही रहा ठीक है तो भी कट ऑफ बहुत बढ़ेगा, मतलब आपको ये पता ही नहीं कि कितना जो है टारगेट रखना है। ये जरूर आप ध्यान रखिए कि 115 करीबन क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए अगर आप जनरल में हो। मेरे हिसाब से इतना टारगेट तो जाना चाहिए क्योंकि 13 गुना हो गई सीटें और सीटें नंबर बढ़ नहीं रही है, कम से कम इतना जाना चाहिए ठीक है, मतलब 150 के आसपास कट ऑफ जाना चाहिए, कम से कम 150 145 ऐसे कुछ रेंज में ठीक है। तो एक ये तो ये है, ये तो तब है जब अगर मान लीजिए फैक्चुअल पेपर ही आया और वो भी इसी साइड आ गया। तो अगर मान लीजिए यूपी पीसीएस का अगर आप ये ट्रेंड एनालिसिस करें, क्योंकि मेरा मेन फोकस इसी में रहता है, तो मुझे ये जहां तक लग रहा है कि मतलब ऐसा ना हो कहीं कि जो मेंस वाला पैटर्न है कि पूरी तरह से यूपीएससी को फॉलो कर लिया, वही प्री में भी दे दें, मतलब प्री में भी बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम जो है घुसेड़ दें और फैक्ट भी घुसेड़ दें, वो वाली चीज। जैसे यूपीएससी का अगर आप देखेंगे 2017 वाला जो पेपर था प्री वाला, उसमें यही था कि मतलब कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा थे और फैक्ट भी काफी थे। तो अगर वैसा पेपर आया तो यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, बस आप लोग थोड़ा सतर्क होकर तैयारी करिए। लास्ट के 30-35 दिन बचे हैं, करीबन 40-50 दिन बचे हैं अभी, उसमें आप फैक्ट तो पढ़िए। जो मैंने इसके लिए यूपी पीसीएस 2019 के लिए एक देसी कट्टा वो रणनीति दी हुई है, वो आप देख लीजिएगा ठीक है, उसी के हिसाब से करिएगा, बस उतना ही कर लीजिएगा। बस अगर आपने उतना कर लिया तो प्री आराम से जो है निकल जाएगा। ये एक मेरी तरफ से जो है एनालिसिस थी है। और जो मैंने पर्सनली फील किया है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे ही बेस्ड थी सारी एनालिसिस। बाकी अगर कोई और जो है बुद्धिमान लोग हैं, वो अपनी स्ट्रेटजी और अपना रणनीति अपनी टैक्टिक्स फॉलो करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। मेरी तरफ से एक छोटी सी एनालिसिस ये थी कि अब ये जो है आपको सतर्क रहने की जरूरत है ठीक है। और एक बात और बता दूं आपको कि अगर आप 2019 की प्री की तैयारी कर रहे हैं तो अभी उसी पे फोकस करिए, अभी मेंस की तैयारी एक साथ करने की जरूरत नहीं ठीक है। आपको प्री निकालना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है 2019 में, तो अभी जो है लास्ट के 40-50 दिन सिर्फ प्री पे फोकस करिए। उसके बाद अप्रैल में जब मेंस होगा तो तब वो 2-3 महीना मेंस पे फोकस कर लीजिए पूरा ठीक है। ऑल द बेस्ट है, वो मेंस के लिए भी हम लोग तो कोर्स चलाएंगे 2019 का, लेकिन अब मैंने उसको पोस्टपोन कर दिया क्योंकि पहले प्री निकलवाना बहुत जरूरी है। कुछ लोग कह रहे थे इंटीग्रेटेड कोर्स कर दो, मैं इंटीग्रेटेड नहीं कर सकता हूं उसमें प्री और मेंस का पेड़, क्योंकि अगर मान लीजिए प्री नहीं निकला तो फिर मतलब मेंस की मैं पहले से पैसे क्यों लूं, तो वो चीटिंग हो जाएगी एक तरह से। प्री पहले खत्म करेंगे उसके बाद ही मेंस का चालू करेंगे। प्री के लिए आप हमारे साथ यूट्यूब में जरूर जुड़े रहें, अगर आप हमारा पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, सारे प्रयास आपको यूट्यूब में मिलेंगे। 25 तारीख से मैं यूट्यूब में भी क्लासेस देने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर यही वाले वीडियो देख लें तो आराम से आप जो है प्री क्लियर कर लेंगे। जय हिंद।